नमस्कार, मैं स्वप्नाली स्पीड न्यूज लाइव 24 से मंगलवार की आज की ताजा खबरों में आप सबका स्वागत। चार दिन पहले ही कोरोना वायरस संक्रमण को शिकस्त देने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में अनुभवी डॉक्टरों की एक टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को देर रात करीब 2 बजे एम्स में भर्ती कराया गया है। कोरोना महामारी के समय केंद्र सरकार की ओर से पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट का गठन किया गया, लेकिन इस ट्रस्ट को लेकर काफी सवाल खड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में इस ट्रस्ट की वैधानिकता को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर एक कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पीएम केयर्स फंड में जमा किए गए पैसों में NDRF में ट्रांसफर करने का निदर्शक नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि फिर से एक ही नए राष्ट्रीय आपदा राहत प्लान की ही कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर कोरोना रोगियों के गायब होने की सूचनाएं मिल रही है। अकेले पुणे शहर की ही बात करें तो कोरोना संक्रमण से पीड़ित होने के बाद होम आइसोलेशन यानी घर पर ही उपचार लेने वाले 2289 मरीज लापता पाए गए हैं। यह जानकारी पुणे नगर निगम ने दी है। अवामान केस में दोषी करार दिए गए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, शिक्षावादी और वकील आ गए हैं। भूषण के समर्थन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ 3000 से अधिक लोगों ने एक ही बयान जारी किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की 13 रिटायर जस्टिस में हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन से सभी स्टॉल पर नो बिल नो पे का बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही POS मशीन भी लगाना जरूरी है। जहां कभी भी निदर्शक के पालन में कमी पाई जाएगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रबंधन किया गया है। महाराष्ट्र के पालघर में भीषण हादसे की खबर आई है। पालघर में नंदोलिया एग्रेनिक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। केमिकल फैक्ट्री की लगी आग में चपेट में कई लोग आ गए हैं। खबर के मुताबिक इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। भारत के सुपरस्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा को देश में खेल के सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से नामांकित किया गया है। उनके साथ पहलवान विनेश फोगट, टेबल टेनिस खिलाड़ी मानिका बत्रा और 2016 पैरालंपिक के सुवर्ण पदक विजेता मारियप्पन तेंगवेलु को प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। यह फैसला राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन और दूसरे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को तय करने के लिए चयन पैनल की बैठक में लिया गया। देश में पहली बार किसी कोरोना संक्रमित मरीज के शव का पोस्टमार्टम किया गया। भोपाल में ये पोस्टमार्टम रिसर्च के उद्देश्य से किया गया है। कोरोना वायरस इंसान के शरीर में किस तरह हमला करता है, यह शरीर में कितने लंबे समय तक रहता है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए ही पोस्टमार्टम किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि संक्रमित मरीज के शव के पोस्टमार्टम करने से कोरोना के असर अच्छे से समझ आ सकता है। कोलकाता हवाई अड्डे में सोमवार को देश के 6 कोविड हॉस्पिटल के लिए आउटबाउंड उड़ाने का संचालन शुरू करने का फैसला किया। घोषणा के अनुसार कोलकाता हवाई अड्डा अब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नागपुर और अहमदाबाद के लिए उड़ानें संचालित करेगा। हालांकि इन हॉटस्पॉट से कोलकाता जाने वाली इन फ्लाइट्स पर प्रतिबंधक यथावत रहेगी। गैर कोविड हॉटस्पॉट से कोलकाता पहुंचने वाली विमानों से संचालित करने के लिए एयरलाइंस के फैसले के मद्देनजर एयरपोर्ट अथॉरिटी की मंजूरी मिल गई है। पति के काम करने का हवाला देकर गुजारा भत्ते की मांग करने वाली महिला की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया।
सत्र अदालत ने कहा है कि महिला सुशिक्षित है और नौकरी करती है, पति ने तनख्वाह कम होने के आधार पर ही पत्नी गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती। आज की ताज़ा खबरें यही समाप्त होती है, कल फिर मिलेंगे, नमस्कार।